देखिए, मैं यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। जो चूंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें बहुवैकल्पिक यानी कुछ विकल्प उसके दिए रहते हैं और उसमें से चुनना पड़ता है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने NCERT बुक के कॉन्सेप्ट से कुछ MCQ निकाला है, यानी इस तरह का क्वेश्चन निकाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। निम्नांकित में कौन एक परिमेय संख्या है। ओके, उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो आप देखिए कि जो परिमेय संख्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है। परिमेय संख्या जो है वो पी बटा क्यू के रूप का होता है, ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो जीरो है, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बटा का एक लिख सकते हैं, इसको जीरो कहा जाता है, ठीक है। या जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये बिल्कुल ए वाला सही है। रूट टू, तो आपको मैंने बताया है कि रूट टू हमारा परिमेय संख्या नहीं है, हमने इसको प्रूव भी किया है और देखा भी है कि कैसे जो हिप्पेसस थे उन्होंने बताया था कि रूट टू पी बटा क्यू के रूप का नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से इसमें भी रूट टू है, तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ें, ठीक है, तो वो अपरिमेय ही रहता है, तो ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। और ये पाँच का पावर 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, क्यूब का पावर, क्यूबिक रूट 5, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रूट वाला वैल्यू है जो एक क्या है, जो एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम स्टेटमेंट यानी यही क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक परिमेय संख्या है, कौन एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस बार देखिए 0/1 दिया हुआ है, तो ये तो उसी हिसाब से पहले ही करेक्ट हो गया। 1/0 तो नहीं हो सकता, इसलिए कि 1/0 क्या होता है, 1/0 ये होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित लिखते हैं इसको हम लोग मैथ में, ठीक है ना, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो 1/0 तो ये कह लीजिए कि हमारा रियल ही नंबर नहीं है, ठीक है, ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। पाई को आपने देखा है, पाई क्या है, तो पाई को आपने देखा है कि ये है अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, ये वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक संख्या का ही एक रूप है, ठीक है, लेकिन अपरिभाषित है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, मैंने बता दिया कि यहाँ पे रूट टू है, तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और टू परिमेय है, तो परिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय, तो पहला ऑप्शन सही है। ओके, ये बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। बोलता है नीचे में जो दिया हुआ है उसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए एन, एन नीचे लिखा हुआ है कि एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, तो हमको नहीं है बताना है, तो इसलिए ये गलत हो गया, नेचुरल तो परिमेय होता है। ये है डब्लू, डब्लू लिखा हुआ है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो डब्लू भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, तो पूर्णांक भी परिमेय है। उम्मीद है ये आप लोग जानते होंगे कि जो भी संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी परिमेय के अंदर आती है ना, इसलिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। होल नंबर भी 2 है, तो 2/1 लिखा जा सकता है। इंटीजर मान लीजिए कोई भी आपका -5 है, तो -5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये तीनों नंबर क्या है, ये परिमेय संख्या के अंदर में आता है। तो पाई हमने देखा है कि पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, यानी ये परिमेय नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसका, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ASC क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ओके, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, यानी कौन परिमेय संख्या है, वही क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि नीचे में कौन परिमेय संख्या है,
ठीक है। इस बार देखिए इस टैग से दिया हुआ है ना, तो ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो नीचे जो दिया हुआ रहता है वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, अच्छा ये भी परिमेय है, ये भी सब तो इसमें परिमेय ही है, ठीक है, क्योंकि सब पी बटा क्यू के रूप का लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि शांत या अशांत आपसे पूछे, ठीक है, कि इज ए रेशनल नंबर। इसमें मैं ठीक कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल कर देता हूँ, ठीक है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी आपको ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है जो क्या है, जो शांत है इसका दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव वाला आपको ढूंढना है, शांत दशमलव। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए शांत दशमलव के लिए क्या जरूरी है, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला क्यू है वो उसमें 2 होना चाहिए या 5 या दोनों, उसके अलावा कोई नहीं। ये तो गलत हो गया इसलिए कि इसमें 7 भी है, ठीक है। 210 को आप तोड़ करके देख लीजिए, ठीक है, रफ में मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ, ठीक है। 210 को अगर हम लोग खोलते हैं तो कैसे खुलेगा, देखिए इस तरह से 5 चौके 20 और 5 दूने 10, और फिर ये हो गया आपका 2 21 और 3 सत 21, तो इसमें 5 2 3 7 3 आ जा रहा है। कौन कौन आ रहा है इसमें, आ रहा है देखिएगा, इसमें 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 5 और 2 के अलावा भी आ जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये देखिए 8 है, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब ये सही हो जाएगा इसलिए कि इसमें हम 5 का पावर 0 लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये सही हो गया, ठीक है। 343, तो ये 3 का पावर 3 27, 27 तिया 81 तिया, नहीं 3 का पावर 4 होता है, ठीक है, 3 को 4 बार लिखेंगे तो ये गलत है, चूंकि इसमें 3 आ गया, ओके, सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगर आप खुद से क्वेश्चन कर पाते हैं तो खुद से क्वेश्चन कीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए। अगर खुद से नहीं कर सकते या कर लेते हैं तो आंसर मिलाने के लिए फिर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करके आप अपना आंसर मिलाइए, इस तरह से आपको सीखेंगे, चूंकि आपने पढ़ा है तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, बोलता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है सो बताइए, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मेरा गलत हो गया क्योंकि हमको नहीं है बताना है, ठीक है। 13/7, तो 13/7 ये तीनों परिमेय संख्या है, तो ये तीनों तो अपरिमेय नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि थोड़ा वो मिस्टेक किया हुआ है इसमें, इसको मैं ऑप्शन को करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे देखिए एक रहने दीजिए, इसको कर दीजिए √2, ठीक है, और इसको कर दीजिए आप ई। तो अब आप देखिए, अब आपका सही हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि बोलता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये क्या होता है, ये होता है अपरिमेय, तो हमको नहीं बताना है, ठीक है। तो √2 भी अपरिमेय है, तो ये भी मेरा ऑप्शन हट जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये e क्या है, ये आयलर्स वैल्यू है, तो ये भी अपरिमेय होता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हट गया, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। एक देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है, नीचे वाले में कौन जो है वो इरेशनल अपरिमेय संख्या नहीं है, ऊपर ही का जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, चूंकि ये आप देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग है,
यानी ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। ये पाई भी अपरिमेय होता है तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा मैं सुधारता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आप देखेंगे तो ये भी रिपीट नहीं कर रहा, ओके, और आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉर रिकरिंग, तो ये भी क्या हो गया हमारा, अपरिमेय हो गया, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। ये देखिए ये हमारा रिकरिंग है, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो ये है रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये NTR है, ये हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ओके। पाई तो अपरिमेय होता है, ये भी हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके, और ये NTR है, तो ये एक परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय है तो ये अपरिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत सही है, ओके। तो जब भी नहीं वाला क्वेश्चन हो थोड़ा आप उसको ध्यान से देखिएगा, ओके। इस तरह का देखिए MCQ एग्जाम में आता रहता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस रखिए, ठीक है, इससे आपका माइंड बढ़ेगा। तो मेरे वीडियोज़ को आप आगे बढ़ाइए और मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।